नमस्ते सभी को। आज हम प्रवीण खांडवे भैया से शेयरिंग सुनेंगे। प्रवीण खांडवे भैया असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है, उसी तरह से भैया एचओडी सिविल डिपार्टमेंट और वाइस प्रिंसिपल का भी चार्ज संभाले हुए एट प्रोफेसर राम मेघे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट अमरावती, जो कि महाराष्ट्र में है। भैया ने उनका फर्स्ट यूएच वर्कशॉप मई 2020 में किया है, तो अभी मैं भैया को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात रखे। ओवर टू यू प्रवीण भैया। नमस्ते भैया, सभी को नमस्कार। जैसा परिचय में बताया गया, तो मैं अभी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज अमरावती में असिस्टेंट प्रोफेसर इन सिविल इंजीनियरिंग के पद पे काम कर रहा हूँ। शुरू में सबसे पहला वर्कशॉप तो मैंने मई 2020 में ऑनलाइन वर्कशॉप किया यूएचवी वन का, और वहीं से मेरी यूएचवी के बारे में जो भी मेरी जर्नी है वो वहां से शुरुआत हुई। उसके बाद में फिर मैंने यूएचवी रिफ्रेशर वन, ये भी मैंने नवंबर 20 में पूरा किया, और फिर मुझे मौका मिला जहां पर मैंने वन डे वर्कशॉप और हाउ टू कंडक्ट एसआईपी, उसमें भी मैंने उसको भी पूरा किया। और उसके बाद में फिर अभी 2022 में जो ऑफलाइन वर्कशॉप हुआ था एक वीक का पुणे में पीवीजी कॉलेज पुणे में, तो वहां पे भी उसको मैं और मेरी पत्नी, हमने दोनों ने भी उसमें काफी सारी सीख हमने वहां पर प्राप्त की। इसके पहले भी जो हमारे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के जो सीख के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, समझ के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं और मेरी पत्नी ने हमने और भी कई जगह पे ऐसे शिविरों में हम सम्मिलित होते हैं कि जहां हम लोग हमारे भाव विचार या फिर हमारी समझ के लिए कैसे कोई और जानकारी जुटा सकते हैं उसके लिए हम प्रयत्नरत रहते हैं। वैसे तो अभी मम्मी का देहांत 2018 में हो चुका, लेकिन कई सारे संस्कार मेरे मम्मी और पप्पा से जो मुझे मिले उसको मैं इस यूएचवी ट्रेनिंग के जरिए कई बार मैं जान पाया कि जो चीजें यहाँ पे सिखाई जा रही है ये हमें हमारे स्कूल से भी या कई जगह पे मिली है, लेकिन हमने उसको बीच के हमारे जो जीवन में उसके और इतना ध्यान नहीं दिया ताकि उसकी हम लोग समझ या सजगता हम लोग उसके बारे में बढ़ा सके। लेकिन यूएचवी का वर्कशॉप पहला अटेंड करने के बाद में मेरा इसके ऊपर ध्यान गया कि कई सारी चीजें मैं भी कर रहा हूँ लेकिन वो ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं थी। लेकिन सबसे पहला जो मुझे हम लोग फायदा कह सकते हैं, जो मुझे हुआ है बेनिफिट, कि जो हमारी ये जो यूएचवी का कंटेंट है इसमें जो मुझे बताया गया है कि हम लोग सभी को, स्टूडेंट्स को या हमारे सभी कलीग्स को बताते हैं कि हम लोग आपके सामने प्रस्ताव के रूप में रख रहे हैं, इसी को पूरा ऐसे क्या ऐसे ही जानना या मैं बता रहा हूँ इसलिए उसको मानना ऐसा नहीं है, तो आप इसको प्रस्ताव के रूप में स्वीकार कीजिए और उसको खुद में जांचिए और तभी आपको वो सही मायने में समझ में आएगा। तो ये मुझे अभी अच्छी तरह से समझ गया है कि हम कोई भी चीज को यदि सामने दूसरों को बताना है तो उसको हम लोग प्रस्ताव के रूप में रखें और उसको उसको जांचने के लिए उसके साथ में मदद करें या सहकर्मी बने, तो वो चीजें कहीं अच्छी तरह से हम लोग समझा पाते हैं। जो हमारे स्पष्टता के बारे में जो गति है, तो अभ्यास एक में जो भी चीजें हमें जाननी थी, जैसा कि राइट अंडरस्टैंडिंग इन द सेल्फ, राइट फीलिंग थ्रू इन द सेल्फ और इन द रिलेशनशिप, हमारी रिलेशनशिप के बारे में, या फिर कॉम्पिटेंस फॉर द राइट लिविंग इन द सेल्फ, इसके बारे में अभी तो मेरा फिर से प्रयास जारी है कि मैं चाहता हूँ कि आने वाला जो अगला यूएचवी थ्री का जो मॉर्निंग सेशन रहेगा उसको मैं फिर से अटेंड करूँ, क्योंकि इस बार मैं थोड़ा सा, हमारा जून महीने में नैक की कमेटी आने वाली थी कॉलेज में, तो उसके वजह से मैं कई सारे अभ्यास जो है यानी एक्सरसाइज जो है वो मैं सही ढंग से नहीं समय दे पाया उसके बारे में, लेकिन कई सारी नई चीजें मुझे इस बार नए यूएचवी थ्री में सुनने को यानी समझने को मिली। कंटिन्यूस हैप्पीनेस के बारे में मैं कई कई सारे मेरे मित्रों के बारे में या फिर मेरे कुछ दूसरे वर्कशॉप में भी मैं बात करते रहता हूँ, तो मेरा तो शुरू से ही ये मानना था, लेकिन अभी यूएचवी के जरिए वो समझ मेरी अच्छी गहरी हो गई है कि जो भगवान महावीर ने जो बताया है, जियो और जीने दो, ये मान्यता ये समझ जो है अभी
ये मैं और अच्छी तरह से अपने यूएसपी कंटेंट के जरिए समझ पा रहा हूँ कि हम सब लोग सहअस्तित्व में जो कर सकते हैं वो अन्य परिस्थिति में नहीं हो सकता है। और इसके वजह से कई सारे विचारों में भी मुझे बदलाव आ रहा है कि जब भी ऐसा कुछ कॉन्ट्रडिक्शन या ऐसा कुछ हो जाए या रिलेशनशिप में ऐसा कुछ हो जाए तो मुझे तुरंत ध्यान आ जाता है कि नहीं, हम सहअस्तित्व में जो अच्छे रह सकते हैं या हमारे भाव विचार अच्छे रख सकते हैं या रिलेशनशिप बनाए रख सकते हैं, वो सहअस्तित्व के बारे में मुझे सोचना चाहिए। तो इसके लिए मैं अभी और फिर से प्रयासरत रहूंगा कि UHP 3 में कई सारे और एक्सरसाइज के जरिए मैं इसकी गहराई मेरी बढ़ाऊँ। जो बदलाव मेरे में आया है उसमें कई बार महाविद्यालय में और कुछ काम करते समय मैं कभी कभी रिएक्ट हो जाता था, उसमें अभी थोड़ा सा बदलाव आ चुका है क्योंकि वो रिएक्ट होने के बाद में मुझे ध्यान में आता है कि नहीं, अभी इस तरह से हम लोग अभी हमको समझना चाहिए और उसको मैं कैसे मेरे भाव को नियंत्रित रख के मैं उसके साथ में थोड़ा अलग ढंग से मैं कैसे उसको ये चीजें समझा सकता हूँ या उनकी समस्या के हल के बारे में रिएक्ट होने के बजाय हम लोग उसको कैसे सही ढंग से रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, इस पे मेरा अभी ध्यान जाता है। अभी तो ये नैक के समय कामों में मुझे कई बार इसका अनुभव आया, जो पिछले बार जब नैक हुआ था तब मैं क्योंकि चूंकि मैं डीन इंफ्रास्ट्रक्चर हूँ तो कई सारे लोग कंप्लेंट लेके या ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ और कई सारी ऐसी चलती रहती थी, बहस चलती रहती थी कभी या कुछ जो भी है काम के बारे में। लेकिन इस बार जब भी जो भी काम मैंने कॉलेज में मैं कर पाया, मेंटेनेंस का या कंस्ट्रक्शन का और बाकी रिनोवेशन के बारे में भी, तो मैं खुद को काफी स्थिर रख पाया या मैं परेशान नहीं हुआ। पिछले बार में मैंने देखा कि मैं कई बार मुझे घर पे आने के बाद में भी उन चीजों की स्ट्रेस होता था कि उसने सर ने ऐसा बोल दिया या ऐसा हो गया वैसा हो गया, अभी उसको ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन ये UHP के बारे में समझ में थोड़ा सा बदलाव मुझ में आया है कि इस बार मैं काफी कूल रख पाया खुद को कि हम सब लोग सही, हम मैं ये सब काम कर लूंगा बराबर और मुझे कोई ऐसी गलत रिएक्शन किसी लोगों को देने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपने काम की जिम्मेदारी को मैं सही ढंग से मैं कर पाता हूँ और सामने वाले को मैंने समझा दिया तो उनकी भी कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं रहेगी और हमारे काम महाविद्यालय का काम भी जो है वो सही तरीके से हो जाएगा। तो ये समझ थोड़ी सी मेरे में ये काफी बदलाव अभी मैं देख पा रहा हूँ। मैं ये स्पष्ट देख पा रहा हूँ कि सेल्फ और बॉडी बॉडी के बारे में जो कंटेंट के बारे में मुझे पता चला तो यह मेरी स्पष्टता भी अच्छी तरह से बन गई है कि सेल्फ ये है और बॉडी ये है और ये सहअस्तित्व में हम लोग सब हमारा ये जीवन जो है वो व्यतीत कर सकते हैं। मैं ये स्पष्ट देख पा रहा हूँ या समझ भी पा रहा हूँ कि मेरे जो भाव है वही मेरे सुख या दुख को नियंत्रित कर पाते हैं। वैसे तो दुख के क्षण काफी कम महसूस होते हैं अभी तो, लेकिन UHP ट्रेनिंग के कारण मेरी यह स्पष्टता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जब भी कोई कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है या किसी गलत परिस्थिति में हम लोग पहुंच जाने पर मेरे मन में तुरंत ख्याल आ जाता है कि मेरा भाव मुझे सही कर लेना है। मैं यदि मेरे भाव को सही कर लेता हूँ तो इस कॉन्ट्रडिक्शन से या गलत परिस्थिति से जो भी मुझे दुख का भाव हो रहा है उसमें से मैं जल्दी ही बाहर निकल पाता हूँ करके। तो इस तरह से निरंतर सुख की स्थिति बनाए रखने के लिए दूसरों के भावनाओं को समझना, उनका आदर करना या माफी मांग लेना या उनको जैसे है वैसे स्वीकार करना या अपने भाव को तुरंत जल्दी से जल्दी सही कर पाने की स्थिति में जल्दी आ जाना, ये मुझे अभी थोड़ा थोड़ा जमने लगा है अभी। और इस अनुभव को मैं और बढ़ाना चाहता हूँ तो अभी आने वाले हमारे UHP के सत्र के जरिए और ये सारी चीजें अभी धीरे धीरे बढ़ाने का मैं प्रयास करूंगा। मैं ये अनुभव कर पा रहा हूँ कि निरंतर सुख के लिए विश्वास, आदर और प्रेम भाव, यही तीनों चीजें होना काफी यानी बहुत बहुत जरूरी है। जहां पे मैं देखता हूँ कि जहां पर विश्वास की भावना कम होती है या फिर हम लोग एक दूसरे को आदर पूर्वक स्वीकार नहीं कर पाते किसी वजह से, तो फिर वहां पर हम लोग निरंतर सुख की स्थिति बनाने के लिए थोड़ा सा कठिन होता है। यह मैं स्पष्ट समझ पाया हूँ। हमारे साथ जो भी हो रहा है उसके लिए
हम ही जिम्मेदार है, यानी खुद ही जिम्मेदार है, क्योंकि सारे निर्णय मैं ही लेता हूँ। जो भी परिस्थिति है उसके बारे में मुझे कैसे रिएक्ट करना है, या उसको कैसे समझना है, या उसके बारे में क्या कार्य करना है, या जो भी है। तो मेरा पहले भी यह मानना था कि भाई व्हाट एवर इज हैपनिंग इन आवर लाइफ वी आर टोटल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। लेकिन अब ये चीज मैं दूसरे लोगों को इतने सही ढंग से नहीं समझा पा सकता था कि जो हम लोग हमारे जीवन में के लिए हम ही खुद जिम्मेदार है, यानी मेरा जो निर्णय है किसी भी स्थिति के बारे में उसी से सारा चीज हो सकता है। लेकिन अभी यूएचपी कंटेंट को सुनने के बाद में मेरी थोड़ी स्पष्टता बढ़ी है कि मैं ये थोड़ा सा, मुझे लगता है कि मैं ये हमारे सहकर्मियों को या मित्रों को या बाकी लोगों को भी मैं ये समझा पाऊंगा कि हमारे भाव हम लोग सही करके यदि सही समझ के साथ में निर्णय लेते हैं तो उससे हम लोग थोड़ा अच्छा हमारा जीवन हो पाता है। मैं यह देख पा रहा हूँ और समझ भी पा रहा हूँ कि मेरा भाव जो है या मेरे विचार या मेरे कार्य जो है ये सही समझ के आधारित होने से सुख या आरामदायक स्थिति में अनुभव कर पाता हूँ। जब भी किसी वजह से गलत परिस्थितियों से मैं गुजरता हूँ तो तब मेरे साथ में ऐसा होने के लिए कौन सी मान्यता जुड़ी है, इस पर मेरा थोड़ा सा विचार आ जाता है कि मैं ऐसा किस के लिए मेरी जो अभी रिएक्शन या परिस्थिति है ये मान्यता के आधार पे है या फिर मैं सही समझ से ही उससे देख रहा हूँ। तो इस विचार के साथ में मैं उस परिस्थिति से जल्दी बाहर आने के लिए कोशिश में लग जाता हूँ। और इसके लिए फिर हमारे जो संबंध है वो सभी से अच्छे रहे, सभी के साथ में हम लोग संवाद या सुसंवाद बनाकर रह सके तथा निरंतर अनुभव सुख के अनुभव के लिए सहअस्तित्व को जो हमको समझना है उसके बारे में काफी सहायता मुझे मिली है इस यूएचपी 3 के वर्कशॉप के जरिए। तो यहाँ पे उदाहरण के तौर पे जैसा कि कल नहीं परसों के दिन मैं कॉलेज में जाके मुझे ऐसा लगा कि मैं उस फैकल्टी जो है हमारी उनको जाके एक जादू की झप्पी लगा के आ जाऊं। यानी मुझे लगा कि मैं यदि उनके साथ में बैठ के कुछ ऐसी बात करके चर्चा करके मैं उनसे एक जादू की झप्पी लगा लूं तो उनका और मेरे प्रति हमारे प्रति जो भी कुछ थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट ऐसा लगता है, मुझे भी लगता है या हो सकता है, तो उसमें मैं कुछ काम कर पाऊंगा। तो ये जो विचार है इस प्रकार से कभी ऐसे विचार जो है ये तुरंत अभी मैं ला पाता हूँ, जो कि भैया ने कुमार भैया ने जो समझाया कि सहअस्तित्व में जैसे हम लोग जो महत्व है और उसको यदि हम लोग समझते हैं तो मैं ये जान पा रहा हूँ कि दूसरे भी हमसे कैसे व्यवहार करें यदि हम उसे स्वीकार करते हैं या अपनी भावनाओं को सही रखते हैं तो हम लोग दोनों भी या हमारे परिवार में भी हम लोग निरंतर सुख जीने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। बशर्ते लेकिन हमारे मन में ये चीज हमेशा ध्यान में होनी चाहिए कि हम भी एक, यानी जो हमारा जीवन है यह भी एक सहअस्तित्व का ही परिणाम है, क्योंकि सारी पृथ्वी में भी मैं या प्रकृति में भी मैं ये देख पाता हूँ कि सारे जो परिवार में या हमारे आसपास में या जो भी जीव जंतु है वो हम लोग सब सहअस्तित्व के कारण ही अभी अस्तित्व में है। अभी तो यूएचपी के 3 कारण कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी मच्छर आसपास घूमता है तो फिर उसको मारने का मन नहीं करता है, पहले मैं उसे तुरंत मार देता था, अभी लगता है कि नहीं नहीं अभी उसको नहीं मारना चाहिए या हम लोग उससे कैसे बच सकते हैं, दूसरे तरीके से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं। तो ये थोड़े थोड़े बदलाव जो है वो मैं देख पा रहा हूँ। समझ के बारे में मैं एक थोड़ा सा एक उदाहरण मैं शेयर करना चाहता हूँ कि महाविद्यालय में कई बार कई जगह पे हमको जैकेट या ऐसा कोट पहनना पड़ता है, तो उस समय फिर कोई प्रोग्राम के कारण फिर हम लोग बैठे रहते हॉल में और फिर गर्मी महसूस होती है, लेकिन जो मेरे साथी जो एचओडी है या फिर जो वो बोलते हैं कि सर आपको गर्मी नहीं हो रही है क्या, क्योंकि सब लोगों को तो वैसा महसूस होता है, लेकिन मैं अभी उसको कैसे मैं व्यक्त कर पाऊँ, लेकिन मैं बोलता हूँ उनको कि भाई मैंने तो मेरे मन को कमांड दे दिया है कि अभी मुझे कोट पहन के तो यहाँ तो बैठना ही है, तो फिर उसमें दुखी होने का कुछ कारण है नहीं या उसके बारे में हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे नहीं, तो मैंने तो कमांड दे दी तो मैं तो रिलैक्स हूँ, मुझे तो गर्मी नहीं हो रही है अभी,
तो इस प्रकार से हम लोग यानी हमारी कुछ स्वीकार्यता को बनाकर या समझ को हम लोग बढ़ाकर ऐसे कई सारे परिस्थितियां हैं कि जहाँ पे हम लोग आसानी से मैं निपट पाता हूँ। कई ऐसे और भी उदाहरण है, मैंने मैं एक छोटा सा बता के फिर मैं आगे के शेयरिंग के और बढ़ूंगा कि इलेक्शन की ड्यूटी पे जब मैं गवर्नमेंट ड्यूटी पे था तो इलेक्शन की ड्यूटी पे काफी हमको यानी विलेज में जहाँ पर कोई सुविधा ही नहीं है वहां मैं जा सकता था। तो वहां मुझे अभी मुझे पता चल रहा है कि मैं उस समय जो मेरे बाकी साथी थे इलेक्शन ड्यूटी पे उस खेड़े पे जहाँ पर पीने का पानी भी बड़ी मुश्किल से मिलता था और सुबह की चाय तो मिलना दूरी है, और उस समय भी मैं उस परिस्थिति में एक अच्छे प्रिसाइडिंग ऑफिसर के तौर पे मैं काम कर पाता था। ताकि जो मुझमें जो भौतिक सुविधाओं के बारे में जो डिपेंडेंसी है वो काफी कम है, यानी मैं यही मानता हूँ कि वो सारी चीजें भौतिक सुविधा से तो हम लोग पूरी नहीं कर सकते, लेकिन हमारे विचार और हमारे समझ में यदि हम लोग ये सब चीजें आते हैं तो कई सारी चीजों से हम लोग जो सुखपूर्वक परिस्थिति है वो बना सकते हैं। तो ये भी मैं UHP 3 के दौरान एक्सरसाइज के दौरान मैं जान पाया। तो इस तरह से जहां तक मेरे भागीदारी की बात है तो मैं तो अभी जैसा भी बता चुका हूँ कि UHP 3 के आगामी सत्र में मैं फिर से और पार्टिसिपेट होना चाहता हूँ कि ताकि मैं और एक्सरसाइज में अच्छा पार्टिसिपेट कर सकूँ और मेरी समझ और अच्छी तरह से गहरी बन सके। इस बार नैक वजह से और थोड़ा कुछ कामों की वजह से मैं एक्सरसाइज अच्छी तरह से नहीं कर पाया, लेकिन अगले बार में तो और ये सारी चीजें मैं अच्छे तरह से कर पाऊंगा, तो उसके लिए मैं तो मेरी भागीदारी दूंगा ही। दूसरे में ऐसा है कि जो मेरे महाविद्यालय में जो मेरी भागीदारी है अभी वहां पर मैं जो कार्य कर रहा हूँ, मैं ऐसा यानी मुझे लगता है कि मैं तो काफी समय पे निरंतर सुख की अनुभूति करता हूँ। जैसे कि मैं जब फैकल्टी के रूप में लेक्चर लेने जाता हूँ तो लेक्चर लेने के पहले मुझमें एक थोड़ी ऊर्जा या गति होती है, और फिर लेक्चर लेने के बाद में जब मैं बाहर आता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि मेरी एनर्जी की लेवल बढ़ गई है। तो या फिर मेरे डिपार्टमेंट में तो ऐसा है कि किसी को भी कोई लेक्चर यदि लेना नहीं और एडजस्ट करना है, क्योंकि मैं विभाग प्रमुख भी हूँ, लेकिन मैंने पहले से बता के रखा है कि भाई मैं लेक्चर लूंगा, क्योंकि फिर मुझे कुछ अन्य टॉपिक्स भी बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करने के लिए उस क्लास पे मुझे मिल जाते हैं। तो जो सीखना और सिखाना इसके बारे में जब मैं बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करता होता हूँ तो मुझे और सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा मैंने देखा है। एक HOD के तौर पे भी मैं कई सारी नई अच्छी पहल मेरे डिपार्टमेंट में मैं कर पाया हूँ। तो यह भी अच्छा एक मुझे सुख देता है कि जो हमने जो हमारी जिम्मेदारी है जो अच्छी तरह से मैंने निभाई। डीन इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे भी मैंने कई सारे बदलाव महाविद्यालय में किए हैं पिछले नैक के समय भी, इस समय नैक के समय भी कई इमारतों का निर्माण नए से पूरा प्लानिंग और बाकी सारी चीजों में, लेकिन ये सारे काम के बावजूद भी मुझे कभी भी इसका स्ट्रेस नहीं आया। काफी सारे मेरे सहकर्मी पूछते हैं कि सर आपको इतना समय कहाँ से मिलता है, क्योंकि मैं इन सब परिस्थितियों में सुख का अनुभव करता हूँ, तो ये सारे कामों से मुझे कभी स्ट्रेस या फिर दुख या फिर इससे मुझे भागना चाहिए ऐसा कभी होता ही नहीं। तो यह मैं मेरे जो भागीदारी है उसके तौर पे मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे विचार या भाव यदि सही रहते हैं तो हम निरंतर सुख के और आसानी से बने रह सकते हैं, जो हमारे रोजमर्रा के कार्य है वहां पर भी और हमारे परिवार के साथ में भी। तो इसके साथ में मैं समाज की भागीदारी के बारे में यदि बात करूँ तो जस्ट मैं शेयरिंग करना चाहता हूँ यहाँ पे कि पर्यावरण के प्रति जो हमारे USP में जो कंटेंट दिया है, प्रकृति में जो हम लोग सब समझते हैं कि सहअस्तित्व जो है हमारा हमारा जो सबवर्जेंस है और किस तरह से प्रकृति स्वयं में बिल्कुल बराबर खुद को बनाए रखती है, और जिसके वजह से और उसी का एक हम जो है हमारा मानव जीवन भी उसका ही एक भाग है। तो मैं तो ये स्पष्ट तरह से मानता हूँ कि यदि हम लोग प्रकृति के साथ में जीने की हमारी सारी आदतें बना लेते हैं या हमारे भाव विचार वैसे कर लेते हैं तो निरंतर सुख की अनुभूति करना काफी आसान हो जाता है।
और इसी कड़ी के लिए मैं कई सालों से भी काम कर रहा हूँ। मैंने शुरू में जब मेरा सिविल इंजीनियरिंग का काम शुरू किया था तो फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि मेरी रुचि पर्यावरण के तरफ ज्यादा हो रही है, और फिर मैंने 2009 से 2012 में मेरा एमटेक एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग मैंने पूरा किया, और बाद में फिर मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्वाइन हुआ। उसके पहले तो मैं आईटीआई में 15 साल गवर्नमेंट में मैंने सर्विस की थी। लेकिन यहाँ ये जो पर्यावरण के प्रति जो मेरी रुचि है उसको मैं देख पाया, और उसके वजह से फिर मैंने अभी मैं उसके लिए अच्छी तरह से काम कर पा रहा हूँ। तो उसके लिए फिर पर्यावरण मित्र बना, बिकम ए एनवायरमेंट फ्रेंड्स, यह एक किताब मैंने अभी हाल ही में लिखी है। कोरोना के वजह से मुझे काफी समय मिल गया कि जो मेरे पेंडिंग वर्क थे वहां पर मैंने पर्यावरण के ही प्रति मेरा जो भी काम बन सकता था उसको मैंने पूरा अंजाम दे दिया। तो पर्यावरण मित्र बना या 100 पेजेस का बुक है ये, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये भी 100 पेजेस का एक बुक मैंने लिखा है अभी। उसके बाद में फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मेरे एमटेक के डिसर्टेशन में मैंने इससे शुरुआत की थी, और अभी कई सारे ऐसे प्रयोग और साथ में सभी सब कामों के वजह से उसको मैंने अभी पुस्तक के रूप में 450 पेजेस की बुक है, उसमें अच्छी तरह से मैं उसको मैं रख पाया। उसी तरह से हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट की भी एक बुक मैंने अभी पब्लिश की, और रोजगार क्षमता कौशल ये भी बुक मैंने 2012-13 में ही पब्लिश की थी, जिसमें विद्यार्थियों के बारे में हम लोग कैसे उनको उनके क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं उसके बारे में यह बुक थी। यह अभी आईटीआई में इसका पूरा सब्जेक्ट का कंटेंट लग चुका है विद्यार्थियों के लिए। और अभी मेरा काम शुरू है कि जहाँ पर मैं बिहेवियर स्किल और इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स का जो बुक है मेरा उसको मैं थोड़ा थोड़ा पूरा कर रहा हूँ। लेकिन ये इन सब के साथ में मुझे जो यूएसपी का कंटेंट जो भी मुझे मिला उसके वजह से मेरा आयाम अभी बदल गया है, विचारों का भी आयाम बदल गया है, और वो सारी चीजें मैं अभी मेरे जो बिहेवियर स्किल वाला जो बुक में लिख रहा था मैं उसको फिर से अभी रिवाइज कर रहा हूँ कि मुझे अभी ये इस ढंग से रखना है लोगों के सामने, प्रस्ताव के रूप में रख के उसको स्वीकार करने के रूप में, और इस तरह से हम लोग कैसे बदलाव लाएंगे यह मैं अभी समझ पाया हूँ। मुझे लगता है कि जो चैतन्य के अर्थ में हम सब लोग जो हमारे सभी कार्यक्रम है उसमें मेरी सहस्वीकारता जो है वो अभी अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है, जिसमें हम लोग निरंतर सुख की अनुभूति के लिए कई सारा काम अभी मैं कर पाता हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं सोच रहा हूँ कि जैसे हमारे महाविद्यालय के जरिए और हमारे जहाँ पर भी मुझे जिम्मेदारी की ऐसा मौका मिलता है वहाँ पे हम लोग अभी धीरे धीरे इस यूएचपी के कंटेंट को कैसे आगे बढ़ाए, और इस तरह से मैं ये सभी चीजें कोई एग्जिस्टेंस में है ये हम लोग समझाने के लिए कैसे हम लोग एक दूसरे को मदद कर सकते हैं उसके लिए मैं मेरा भागीदारी मैं देना चाहता हूँ। तो यही कुछ ऐसे पॉइंट्स थे कि जहाँ पर सअस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने भाव व्यवहार विचार और कार्यों द्वारा मैं समाज के प्रति अपनी भागीदारी हर समय निभाने के लिए प्रयासरत रहूंगा। कुछ एक दो और वैसे उदाहरण थे कि जिसमें मैंने ये सारी चीजें मेरे भागीदारी के रूप में मैंने की है, वो शेयरिंग करके मैं मेरा यहाँ का आज का शेयरिंग समाप्त करूंगा। तो कोरोना के दौरान भी हमने कई सारे लोगों को, मेरे जो हमारी इंजीनियरिंग सहकर्मी है उनके लिए मैंने हेल्थ एंड हैप्पीनेस का वर्कशॉप का आयोजन किया, बच्चों के लिए भी और विद्यार्थियों के लिए भी, और ऐसे कठिन परिस्थितियों में हम लोग भाव कैसे सही रख सकते हैं उसके लिए मैं क्या करता हूँ इसका मैंने उनको शेयरिंग किया, ताकि वो फिर उनको भी उसमें से कुछ वो सीख मिल पाती है। तो और प्रकृति के प्रति जो महाविद्यालय में भी हम लोग जो अलग अलग उपक्रम लेते हैं उसमें मैं सबसे बताना चाहूंगा कि एनएसएस में मैं कई बार कई ज्यादा हिस्सेदारी मेरी देता हूँ, कोई भी प्रोग्राम हो तो हम लोग जो एडॉप्टेड विलेजेस है वहां जाकर कई सारे अच्छे काम हम लोग अभी कर पा रहे हैं, ट्री प्लांटेशन से लेके तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और फिर वहाँ के कचरे के लिए निपटारे के लिए कुछ हम लोग मदद कर सकते हैं। तो उसके लिए कई उन्नत भारत में भी हमने 2-3 प्रोजेक्ट हमारे मंजूर हो चुके हैं अभी, जिसके लिए हमें पैसे मिले, तो हम लोग अभी विलेजेस में उसको भी काम कर रहे हैं। हमारा जो बड़ा एक विलेज है राजूरा विल्टेक, वहां तो उन्होंने अभी हमको घन कचरा व्यवस्थापन का एक प्रोजेक्ट लगाने के लिए 1 एकड़ की जगह ही हमें दे दी है महाविद्यालय को। तो वहाँ हम लोग अभी बच्चों के साथ में उस छोटे से गाँव का कचरे का कैसे हम लोग विघटन करके या कंपोस्टिंग के जरिए कैसे हम लोग उसको और कर पाएंगे उसके लिए ग्राम पंचायत को मदद करेंगे। तो
यहाँ सब जो है ये मैं इसीलिए कर पा रहा हूँ कि इस सबों इन सब के कारण मुझे सुख की प्राप्ति होती है, और इन सब के इसी सभी एक्टिविटी में मैं जब मैं खुद को व्यस्त रखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा समय पे मैं सुख में रह पाता हूँ, और इसका असर मैं मेरे हेल्थ पर भी देखता हूँ। मेरे साथी या जो मेरे सहकर्मी भी है तो वो भी मुझे पूछते हैं कि सर आप क्या हेल्थ के लिए कैसा है। तो मेरा ये तो सीधा है कि जितना हम लोग सुख में रहते हैं तो वैसे ही हमारी बॉडी की जो हेल्थ है वो तो वैसे ही अपने आप से बनी रहती है। इसलिए जो हमारा जो है ओबिसिटी या जो भी ये सारी चीजें, तो मैं ये मेरे हेल्थ के बारे में मैं बता सकता हूँ कि जो मेरे संस्कार मेरे जो आए जो मेरे विचार बने या फिर जो मैं पढ़ लिख पाया उसके वजह से मैंने जो मेरा आगे का आचरण प्रकृति के प्रति या मेरे मुझे जिस चीजों में प्रकृति में काम करने में आनंद आता है उसके प्रति मैंने बनाए रखा, उसके वजह से मेरी जो हेल्थ है वो अभी भी एकदम जबरदस्त बनी हुई है। यानी मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे को यदि महाविद्यालय में छुट्टी डालनी है तो मुझे प्रश्न पड़ता है कि अब मैं किस डॉक्टर से उसकी चिट्ठी लाऊं, क्योंकि हमारा कोई फैमिली डॉक्टर ही नहीं। हम लोग घर में काफी सारे आयुर्वेदिक उपचार के जरिए ही हमारी सारी बीमारियों या कोई सा काम ही नहीं पड़ता है कि आयुर्वेदिक हमारे घर के नुस्खे से ही हम लोग कई सारे हमारी नियंत्रण कर लेते हैं। यानी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये सूत्र है मेरा। इसलिए तो क्या है कि कहीं भी हम लोग कभी भी मुझे ऐसा पता नहीं चलता है कि कुछ ऐसा अनर्गल खाने के वजह से या हमारी तबीयत खराब हो गई या दवाखाने में जाना पड़ा या भर्ती होना पड़ा ऐसा कुछ। तो ये सारी चीजें ऐसी है कि जितना ज्यादा हम लोग सुख की अनुभूति करते हैं तो अपने आप से हमारे व्यवहार या फिर हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी सही रहता है। जब हमारे अंदर में मैं कभी कभी ऐसे बच्चों से भी मैं क्लास में जब बात करता हूँ और कई उदाहरण देता हूँ तो एक मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनको मैं बताता हूँ कि देखो कि ये अनुभूति आप भी कर सकते हो, लेकिन इस प्रकार से यदि हम लोग विचार और कार्य करते हैं तो ये सुख की अनुभूति हम लोग निरंतर भी कर सकते हैं। तो इसको मैं अभी और एक नए संस्कार के साथ में हम लोग कैसे नए बच्चों के साथ में लेके जाए वो यहाँ पे मुझे अभी ये मिल गया है कि मैं यूएचपी के जरिए अब ये सारी चीजें मैं नए आने वाले पीढ़ी तक का ले जा सकता हूँ। और इसमें जो मेरा और एक थोड़ा सा काम है जो शेयरिंग के लिए मैं अभी आखिरी का मुद्दा रख रहा हूँ यहाँ पर, कि हमारे जो संस्कार है ये संस्कार हमें हमारे त्योहारों से या भारतीय संस्कृति से मिलते हैं। तो उसमें जो त्योहारों के समय पे हमारे अलग अलग पेड़ पौधों का संरक्षण का प्रयास बताया गया है या फिर जो हम लोग लोकल की जो हमारे कई सारे ऐसे वहां पर त्योहार होते हैं तो इन चीजों के बारे में भी मेरा अभी काम शुरू है। और इसी संस्कार के वजह से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं हमारे अमरावती शहर में 3-4 अभी नए नए मॉल बन चुके हैं, लेकिन मैं हम लोग कभी उस मॉल में ज्यादा तो हम लोग नहीं जा पाते। हम लोग बाय लोकल के तरीके ही से अपनाते हैं कि हमारे साथ में जो हमारे आसपास के जो सब्जी वाले हैं या दुकानदार है उनके साथ में ही हमारा हम लोग व्यवहार ज्यादा रखे। और इसी तरह से मैं ये देख पाता हूँ कि हमारी जो माइक्रो इकोनॉमी है ये अर्थव्यवस्था हमारे आसपास में हम लोग अच्छी तरह से बनाकर रख सकते हैं। इसलिए हम लोग इस दृष्टि से यदि हम लोग एक में को मदद करके चलते हैं तो वैसे ही कई सारा आनंद की प्राप्ति हम लोग कर सकते हैं। और इन सब के समझ के बारे में जो भी UHP 3 के जरिए या इसके पहले मुझे जो सीखने को मिला अलग अलग प्रशिक्षकों के जरिए उसके लिए मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। जो भी चर्चा यहाँ पर हुई उसके वजह से कई कई दूसरे लोगों के सवालों के वजह से मुझे कुछ क्लैरिटी मिल गई, और उसके लिए मैं सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो सवाल रख के जो चीजें स्पष्टता मुझे हुई उससे मेरी समझ में और बढ़ोतरी हो रही है। तो इस सब के लिए आप सबका धन्यवाद। बस यहीं तक का मैं मेरी शेयरिंग मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सभी को। शर्मिला दीदी से भैया के शेयरिंग के बारे में बात सुनते हैं। दीदी बहुत नमस्ते प्रवीण जी, बहुत अच्छा लगा आपकी शेयरिंग सुन के। आपने फर्स्ट वर्कशॉप कब किया था आपने कहा? मैंने 13 में तो हाँ 13 से 17 20 2020 में जी, 13 से 17 में 2020 में ऑनलाइन वर्कशॉप। हाँ बहुत बढ़िया। तो
जैसा कि आपने कहा, कुछ तो आपके पहले के भी संस्कार रहे हैं जिनके कारण आप इतना सब कर पाए हैं बाहर भी। और एक मेरा प्रश्न था कि जैसे घर में बाकी लोग हैं, उनका क्या कहना है आपके व्यवहार के बारे में, या आप ना आपस में जो व्यवहार है उसमें उनको आप में कुछ चेंजेस दिखे हैं क्या, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? मेरे मेरे जो व्यवहार में जो चेंजेस मैं देख पा रहा हूँ, मैं उसको तो बता सकता हूँ कि जी, मैंने सुना ना, लेकिन उन्होंने कुछ नोटिस किया क्या, वो पूछ रही हूँ। उन्होंने भी तो काफी नोटिस किया होगा, तो मैं अभी किसी और दिन हम लोग उसको कर सकते हैं, थोड़ा सा अभी तो उनका जी शेयरिंग मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब भी यानी यूएचयू के जो ऑनलाइन वर्कशॉप चले उसके साथ में, जब भी मैंने सबसे पहली बार मेरे पत्नी को विनंती की कि हम लोग ऑफलाइन वर्कशॉप करने भी जाएंगे, तो वो तुरंत तैयार भी हो गई और हमने वो शिविर भी अच्छे तरह से किया है। तो बस यह तो ये तो बदलाव तो है ही अभी। जी और उनमें भी कुछ बदलाव आया है शिविर करके? शिविर करके बदलाव तो उनमें तो वैसे तो अभी हमको ये सारी चीजें विचार करने का कम समय पड़ता है कि कभी जी कॉन्फ्लिक्ट काफी बार कम होता ही नहीं हमारा करीब करीब, यानी हम लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में इतना घुल मिल चुके हैं कि तो यानी हमारे एक भाव कभी गलत हो गए इसके बारे में सोचने का काफी यानी कम बार ऐसा समय आया है कि ऐसी कुछ परिस्थिति में मैं पड़ा हूँ या वैसा मुझे कुछ सोचने का समय पड़ा है। फिर भी मैं अभी उनसे मेरी रिएक्शन लेने की सोचूंगा अभी कि उनके उनमें कुछ विचारों में बदलाव कैसे मैं देख पा रहा हूँ, या चर्चा करके बताऊंगा आपको फिर। जी, इसलिए मैं पूछ रही थी क्योंकि देखिए, हम अपने ऊपर काम करते हैं तो हमें अपना तो दिखाई देता ही है। बराबर दूसरे जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी वैसा ही दिखता है जैसा हमें दिख रहा है, हमारे ना व्यवहार में कुछ चेंज या उनमें उनको इतना नहीं दिखता, ये एक देखने मेजर वाली है बात है, जरूर 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 पढ़ा जिससे कि हम अपनी गति को और बढ़ा सकते हैं, है ना? सके, जरूर जरूर। तो मैं ये भी रिएक्शन लेता हूँ उनसे, जानना जानूंगा कि थोड़ा यानी फिर और हम लोग कैसे अच्छे बढ़ सकते हैं आगे, वो हम जी लोग जी कर पाएंगे। तो जैसे कि छोटी छोटी बातें, जैसे घर में ना अक्सर होता है कि हम बहुत से लोगों ने ऐसा शेयर किया कि जब हम यूएचबी से जुड़े तो हमें जो दूसरा व्यक्ति है घर में, से स्पाउस है ना, बीवी है, जो भी है, जो काम कर रही है, पत्नी के प्रति एक ग्रैटिट्यूड का भाव आया कि ना इतना सब काम कर रहे हैं तो हम भी उनके उनकी सहायता करें करके हम भी उसमें जुड़ गए, या ऐसा कुछ कुछ करके कुछ लोग बताते हैं। तो इस तरह तो का कुछ मेरा मेरा तो अनुभव यही है कि जैसा कि यानी पत्नी के कई सारे कामों में मैं तो हमेशा ही तैयार रहता हूँ कि जुटने के बारे में या कामों के बारे में, कल ही हमने साथ में खाना बनाया या फिर कुछ गेहूं पिसवा के लाना है, तो मैं बोलता हूँ कि आप मुझे क्यों नहीं बोलते हो, तो तुरंत वैसे तो पास में ही है लेकिन उसमें तो सहभागिता के लिए मैं तो पहले से बोलता हूँ कि भाई आप ऐसे कुछ बाहर के काम है तो मुझे ही पहले बता दिया करो, तो मैं वो वैसी कर लेता हूँ। तो जिम्मेदारी बांटने के बारे में तो ऐसा है कि हम लोग तो मैं और मैं आपने भी जो बोला कि जो मैं ये सारी गति कर पाया हूँ उसके लिए मेरे कविता जो मेरी पत्नी है उसका काफी सहभाग है, क्योंकि एक नए परिवार में आने के बाद में उसने मुझे काफी जल्दी समझा और मेरे जो कार्य व्यवहार है उसमें भी वो सम्मिलित हुई, और ये सारी परिवार की जिम्मेदारी और हमारे घर की जिम्मेदारी और मेरी ड्यूटी सब का ये सब मैं जिम्मेदारी से कर पाया हूँ। तो उसमें जो उन्होंने जो उनका योगदान दिया है कि वो घर की जिम्मेदारी काफी अच्छे से संभाल पाती है, और उसके वजह से भी फिर मैं मेरा पूरा ध्यान महाविद्यालय के या बाहर के कामों में मैं अच्छी तरह से दे पाता हूँ। जी तो ये तो मेरे भाव अभी ज्यादा थोड़ा यानी ज्यादा और गहरा समझ में आ गया है मुझे कि पत्नी के कंट्रीब्यूशन के वजह से ही हमारा भी ये कंट्रीब्यूशन थोड़ा काफी आगे बढ़ा है। यदि हमारे में कॉन्फ्लिक्ट होता था तो हम इतना मैं इतना ज्यादा आगे गति नहीं कर पाता था या फिर और कुछ अन्य परिस्थिति हो सकती थी। तो
तो ये तो मैं पूरी तरह से मानता हूँ कि मैं किताब लिख पाया हूँ, या फिर मैं जो लिख अभी अभी घर में भी काफी सारे जगह पे मेरी कई सारी किताबें पड़ी रहती है, तो उसमें उसको एडजस्ट कर लेती है कविता, ऐसा समझ के चल। यानी उनका टैग तो है इसके लिए, और उसकी वजह से ही ये सुखपूर्वक स्थिति बनी रहती है। नहीं तो फिर हमारी किताबों को देख के यदि कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो फिर अलग परिस्थिति हो सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो आप मतलब इतने कम समय में आपने काफी गति करी है, इसका मतलब ये इससे ऐसा प्रतीत होता है जैसा आपने कहा कि आपके संस्कार पहले के भी बहुत अच्छे संस्कार रहे हैं, एंड मुझे लगता है आपकी पत्नी के भी फैमिली मेंबर्स के भी रहे ही होंगे। यानी मैं ये कहूँ कि प्रेम और जो त्याग है बोलो, या फिर हम लोग बोलेंगे कि अच्छे भाव जो है वो, यानी मैं अभी ये देख अभी देख पा रहा हूँ कि मेरे से पहले मेरे पत्नी के जो भाव थे वो ज्यादा अच्छे थे, यानी मेरे भाव बाद में अच्छे हुए, ऐसा बोल सकते हैं। बहुत अच्छा। तो अगली बार शायद हो सकेगा तो आपकी पत्नी भी शेयर करेंगी तो बढ़िया। जरूर 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 जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सभी को नमस्ते। नमस्ते जी।